अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरिता विलेज फूड में। आज हम बनाने वाले हैं दही भल्ले, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये देखिए, हमने उड़द की दाल ली है, 4 से 5 घंटे भिगो के अच्छे से साफ करके रख ली है। इसे तोड़ के देखते हैं, देखिए टूट रही है, ये इसका मतलब अच्छे से फूल गई है। हमने थोड़ी दही लिया है, चीनी, नमक, 1 चम्मच जीरा, चाट मसाला, 1 चम्मच जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मसाला बनाने के लिए। धुआं देने के लिए हमने हींग ली है, थोड़ा सा घी लिया है। अब इस दाल को हम पीस लेते हैं मिक्सी में अच्छे से। अच्छा सा इसे इसका पेस्ट हमने, ये देखिए पेस्ट इसका बना के तैयार कर लिया है। बिल्कुल महीन पीसना है इसे, ताकि दही भल्ले अच्छे से सॉफ्ट बने। ये देखिए, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, साबुत जीरा हमने लिया है। डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के लिए, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमें एक ही साइड से हिला के मिक्स करना है, ताकि जो है इसमें अच्छे से गैस बन जाए, ताकि दही भल्ले फूले अच्छे से। कम से कम इसे 10 मिनट तक हम इसे इसी तरह से फेंटते रहेंगे। ये देखिए, 10 मिनट बाद इस तरह का हो गया है बैटर हमारा। अब इसे 5 मिनट के लिए रख देते हैं। गैस हमने ऑन कर दिए, गैस पर रखी है कढ़ाई। कढ़ाई में अब डालेंगे हम तेल। तेल गर्म हो जाएगा, तब तक से हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। मीडियम फ्लेम पे इसे हम रख देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे दही भल्ले। ये देखिए, इस तरह से हम डालेंगे दही भल्ले अपने। मीडियम आंच पे ही इसे पकाएंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, वरना दही भल्ले बाहर से जल जाएंगे, अंदर से नहीं पकेंगे। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो दही भल्ले अच्छे से फूलेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम अपने सारे दही भल्ले डाल दिए हैं। इसे अच्छे से चलाएंगे, बीच बीच में हिलाते हुए पकाएंगे। गोल्डन कलर होने तक इन्हें हम अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए, गोल्डन कलर हो चुका है, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। ये देखिए, देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। दही भल्ले हमने निकाले, इन्हें ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। मसाला बना लेते हैं। हमने पैन रख दिया है, पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे जीरा पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी, और स्वाद के अनुसार नमक। इसे हल्की आंच पर पकाएंगे, अच्छे से भून लेते हैं इसे। आप चाहे तो खड़ा मसाला भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसे पीस लेंगे महीन महीन। ये देखिए, मसाला लगभग हमारा पक चुका है। ये देखिए, गैस को ऑफ कर देते हैं। दही भल्ले हमारे ठंडे हो चुके हैं, इन्हें हम पानी में, ठंडे पानी में डालेंगे थोड़ी देर के लिए। इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए डाल देते हैं ऐसे ही। देखिए, इसे हम ढक के रख देते हैं, ताकि अच्छे से पानी सोख लें। जब तक हमारे दही बड़े पानी सोखते हैं, तब तक हम दही बना लेते हैं। दही में हमने डाला है ये चीनी, अच्छे से मिलाएंगे इसे। ज़्यादा नहीं मिलाना है, वरना ये दही जो है पानी पानी हो जाएगा। इसे ज़्यादा देर तक नहीं फेंटना है, ऐसे ही मिक्स करना है। चीनी हमने मिक्स कर दी है इसमें। इसे हम 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। ये देखिए, दही भल्ले हमारे पानी में सोख चुके हैं, अब इन्हें हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें धुआं देने के लिए जो है कोयला रखते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी, थोड़ी सी हींग, और इसका ढक्कन लगा के बंद कर देते हैं, ताकि धुआं अच्छे से हो जाए इसमें। धुआं देखिए, देखिए धुआं हो गया है। इसमें अब हम डालेंगे, धुआं निकाल के रख देते हैं अलग। इसमें हम डालेंगे पानी, ढक्कन बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इसमें पानी सोखे हुए दही भल्ले अब इसमें हम डाल देते हैं, ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाए। देखिए, हमने इस तरह से डाल देते हैं इसे, ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं इसे। ये देखिए, 5 मिनट बाद देखिए कितने अच्छे दही भल्ले हमारे हो चुके हैं। अब इन्हें हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं सर्विंग के लिए।
ज़्यादा पानी हमें इसका नहीं निकालना है, हल्का सा दबा के निकालना है। देखिए हमने निकाल लिया है। इसमें हम डालेंगे दही, ये देखिए दही हमने डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हरी चटनी, अब इसमें हम डालेंगे मीठी चटनी, आप खजूर या इमली की चटनी भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए चटनी हमने सारी डाल दी है इस पर। अब इसमें हम डालेंगे जो मेन हमारा है, जो हमने मसाला बना के तैयार किया था, वो मसाला अब हम इसमें डालते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, इसलिए हमारे दही भल्ले बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।